हेलो व्यूअर्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है हमारे पास कि 5 - √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लेके चलेंगे। तो लिखते पहले इसको हम लेट 5 - √3 बी रैशनल नंबर, जिसकी फॉर्म क्या होती है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a by b, then a and b are integers। अब ये क्या हमारे पास integers है, तो इसी वजह से क्या होगा, b हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। तो अभी क्या, तो अब क्या करते हैं, किसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 - √3 इज इक्वल टू ए बाय बी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए बाय बी को उधर ले जाते हैं, रूट थ्री को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ए बाय बी इज इक्वल टू रूट थ्री। देन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं 5b - a / b इज इक्वल टू रूट थ्री। तो वैसे तुमको पता ही है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, और अगर हम देखें कि a और b क्या इंटीजर है, इसी वजह से क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। a and b are integers, we get 5b - a / b is a rational number, इसका ध्यान देख लो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसको हमने रैशनल माना था, एंड रूट थ्री इज रैशनल। ठीक है दोस्तों, देखो हमको तो पता है कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो हमने सपोज किया था वो क्या हो गया, हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो क्वाड्रेटिक मेथड बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट रूट थ्री इज इरेशनल, सो देयरफॉर जो हमारी अजम्पशन थी वो रॉन्ग हो गई। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो हैंस 5 - √3 इज इरेशनल। व्यूअर्स, आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।